हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो की सीमेंट क्राफ्टिंग में इस तरीके से डिजाइन और पॉट्स तैयार करेंगे। आप भी अगर कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से इस पॉट को बना सकते हैं। चाहे इस तरीके से पॉट आप अपनी गार्डनिंग में यूज कीजिए या फिर आप अपने लिविंग रूम में भी यूज कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इस तरीके से प्लास्टिक बास्केट चाहिए होगी। इस तरीके से दो बास्केट चाहिए होगी। यहाँ पे देखिए, दोनों भी एक जैसा होना चाहिए। बास्केट के अलावा हमें इस तरीके से प्लास्टिक प्लेट चाहिए होगी। आपके घर पर अगर इस तरीके से प्लास्टिक प्लेट मिल जाए तो ले सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की प्लास्टिक डब्बों की ढक्कन भी ले सकते हैं। मैंने भी कुछ इस तरीके से ली हूँ। एक छोटा और एक बड़ा साइज होना चाहिए। सबसे पहले बास्केट के अंदर की ओर अच्छा से हमें ऑयलिंग करना है। निकालते समय बहुत आसानी से निकल जाए, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए अच्छा से अंदर की ओर ऑयलिंग करना बहुत जरूरी होता है। चाहे तो आप किसी प्रकार की ऑयल ले सकते हैं या फिर कुकिंग ऑयल को भी ले सकते हैं। इसी तरीके से अंदर से अच्छा से ऑयलिंग करना चाहिए। उस प्लेट को इस तरीके से लेना है, बास्केट के नीचे इस तरीके से आपको पलटाते हुए रखना है। बास्केट के बीच में इस तरीके से पलटा के ही रखना चाहिए। उसके बाद हमें मिक्सर तैयार करना है। उसके लिए हमें सैंड और सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम बालू रेती कहते हैं। यहाँ पे सीमेंट 40% ली हूँ, सैंड जो है 60% ली हूँ। आप चाहे तो बराबर मात्रा में ले सकते हैं। इसी तरीके से अच्छा से सबसे पहले मिलाना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इस तरीके से मिक्सर को तैयार करना है। यहाँ पे देखिए, मिक्सर कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। तो देखिए, बनाने से पहले इसी तरीके से ही होना चाहिए। सबसे पहले प्लेट को बीच में रखते हुए मिक्सर को चारों तरफ से डालना है। देखिए, मिक्सर को जब इस तरीके से चारों तरफ से डालते हैं तो प्लेट एक जगह में जमी रहती है। उसके बाद इस तरीके से हाथ में मिक्सर लेते हुए बास्केट की चारों तरफ से चिपकाना है, लेकिन आपको एक साइड से ही इस तरीके से चिपकाते हुए चारों तरफ से चिपकाना है। नीचे जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर मिक्सर को गिरने मत दीजिए। प्लेट की साइड साइड से इस तरीके से चिपकाने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से इस तरीके से मिक्सर चिपक जाएगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हाथ में मिक्सर लेते हुए किनारियों में भी इस तरीके से फिनिशिंग के साथ करना होगा, क्योंकि आगे हमें जोड़ना है। बास्केट की ऊपर की किनारी बॉर्डर इसलिए चौड़ा होना जरूरी है ताकि हम दोनों को अच्छे से जोड़ पाएंगे, इसलिए ऊपर के एरिया इस तरीके से ही होना चाहिए। अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनाना है, उसके लिए हमें इस तरीके से बॉटल लेना होगा। इस तरीके से खाली बॉटल घर पर बेकार पड़े हुए होते हैं, उसे आप ले सकते हैं। बॉटल गोलाई आकार होगा तो बहुत आसानी से इस तरीके से फिनिशिंग कर पाएंगे। बास्केट को गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से इस तरीके से बना पाएंगे। इसी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, इसे भी हमें उसी तरीके से बनाना है। बास्केट के नीचे इस तरीके से प्लेट रखना है। सबसे पहले मिक्सर डालना है ताकि प्लेट वन साइड ना हो, एक जगह में अच्छा से जमा हुआ रहे। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्सर हाथ में लेते हुए बास्केट को घुमाते हुए इस तरीके से मिक्सर से चिपकाना है। गोल गोल घुमाते हुए अगर फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से इस तरीके से फिनिशिंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगी। दोनों को जोड़ना है तो इसलिए इसी तरीके से ही होना चाहिए। नीचे जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर मिक्सर गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से क्लीन होना चाहिए ताकि निकालते समय परेशानी ना हो। यहाँ पर हमें दो दिन के लिए छायादार जगह में रखना है, उसके बाद ही हमें निकालना है। जैसे कि फ्रेंड, इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए जब तक पूरी तरह से बन के रेडी ना हो जाए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, छायादार जगह में रखने के बाद ये बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन ये अभी एक दिन हुआ है। मैंने यहाँ पर पानी भर कर रख रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छा से और स्ट्रॉन्ग हो जाए, निकालते समय बहुत आसानी से निकल जाए। आप भी चाहे इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो एक से दो दिन के लिए भी इस तरीके से पानी भरकर रख सकते हैं। आगे हमें इसे निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, ये दो दिन हो चुका है, मैंने यहाँ पर पानी खाली कर चुकी हूँ, अभी हमें इसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दोनों हाथ में पकड़ते हुए नीचे की ओर पलटाना है। उसके बाद इस तरीके से थोड़ी सी प्रेशर के साथ निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से इस तरीके से निकल जाएगी। एक दिन पहले हमने पानी भरकर रखे थे, इसलिए अंदर की ओर नीचे पानी रह गई थी, लेकिन पानी इस तरीके से इसलिए रखते हैं फ्रेंड ताकि निकालने में भी आसान हो और प्लांटर्स भी बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग बन के तैयार हो। किसी भी चीज़ को लेके
इसी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, ये भी बहुत आसानी से इस तरीके से निकल जाएगी, क्योंकि ये प्लास्टिक होने की वजह से बहुत आसानी से निकल जाती है। इसे भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, बहुत सफाई के साथ बहुत अच्छा से इस तरीके से निकल चुका है। मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले मैं नीचे इस तरीके से इसे रखूँगी, उसके बाद जो दूसरा है उसके ऊपर मैं जोड़ूंगी। जैसे कि आप अगर चाहें तो इसे बनाते समय ऊपर की हिस्सा नीचे भी रख सकते हैं, नीचे की हिस्सा ऊपर की ओर भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से पसंद करते हैं। मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं नीचे इस तरीके से प्लास्टिक बिछा रही हूँ ताकि हमें निकालने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें उसे रखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा मिक्सर तैयार करी हूँ। यहाँ पर 50% सैंड और 50% मैंने सीमेंट ली हूँ। दोनों को इस तरीके से पानी मिला के एक गाढ़ा मिक्सर तैयार करी हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से ही मिक्सर होना चाहिए। थोड़ा सा अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। नीचे की बेस एरिया को इस तरीके से बनाना है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उंगली की मदद से इस तरीके से ड्रेमेज होल बना लीजिए, क्योंकि ये नीचे की एरिया है इसलिए आपको इस तरीके से ड्रेमेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें प्लांट्स लगाना है तो ड्रेमेज होल बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हाथ में थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेते हुए किनारियों में इस तरीके से चिपकाना है, सब तरफ से बराबर चिपकाना है। कहीं कम अगर कहीं ज़्यादा होगा तो जो ऊपर की हिस्सा हम जोड़ेंगे तो वन साइड हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मिक्सर को इस तरीके से चिपकाते समय सब तरफ से बराबर चिपकाना है। उसके बाद इसे आपको इस तरीके से लेना है, उसके ऊपर बराबर इस तरीके से रखना है। रखते समय ध्यान में रखना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा से सब तरफ से ध्यान में रखते हुए इस तरीके से जोड़ना है, क्योंकि ये एक बार जुड़ जाएगा तो दोबारा फिर से ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसी समय ही आपको ध्यान में रखते हुए अच्छा से दोनों को जोड़ना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अंदर की ओर भी फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों की पकड़ अच्छा से मजबूती के साथ बनी रहे, कभी भी ये दोनों अलग ना हो। इसलिए आपको अच्छा से अंदर से जोड़ना है। बाय चांस अगर किनारियों में भी कहीं कम ज़्यादा दिखाई दे तो इसी समय आप अच्छा से फिनिशिंग इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अंदर की ओर भी उतना ही अच्छा से और मजबूती के साथ मैंने जुड़ाई करी हूँ। नीचे बेस एरिया में इस तरीके से ड्रेमेज होल होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से ही फिनिशिंग के साथ बनाना चाहिए ताकि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे। सूखने के बाद इस पॉट्स की बाहर की ओर हमें कोटिंग करना है, उसके लिए इस तरह से मिक्सर तैयार करना होगा। इस मिक्सर में सैंड नहीं मिलाना है, सिर्फ पानी और सीमेंट मिला के इस तरीके से मिक्सर तैयार करना है। पॉट्स की बाहर की ओर कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, फिनिशिंग दिखाई देगी, इसलिए लास्ट कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोटिंग करने के लिए इस तरीके से फोम या फिर स्पॉन्ज ले सकते हैं, जो कि घर पर बहुत आसानी से मिल जाती है, पुरानी गद्दों में होती है, कपड़े में भी अगर करेंगे तो भी कर पाएंगे। देखिए, इस तरीके से फोम में अगर कोटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा से फिनिशिंग के साथ कोटिंग होती है, इसी तरीके से ही करना चाहिए। बनाते समय जो भी बबल्स आई होगी वो अच्छा से कवर हो जाएगी, देखने में भी अच्छी दिखाई देगी, इसलिए इस तरीके से लास्ट कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप भी इस तरीके से ज़रूर कोशिश कीजिए। जैसे कि फ्रेंड, पिछले वीडियो में किसी फ्रेंड ने कमेंट किए थे कि मैं इस चैनल पर मेरे गार्डन की ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूं। ज़रूर फ्रेंड, आपने कहा है तो मैं आगे ज़रूर कोशिश करूंगी इस चैनल पर मेरे गार्डन की ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फ्रेंड, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, इस चैनल के अलावा भी मेरा दूसरा और एक नया चैनल है, जो कि उस चैनल पर मैं गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियोज़ वगैरह अपलोड करती हूँ। आपको अगर गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियोज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर देखना चाहते हैं तो उस चैनल को जाके देख सकते हैं। उस चैनल का नाम प्लांट लेड, आगे आपको आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में लिंक भी मिल जाएगी, आप वहीं से भी जाके देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, पहले मैं इसी चैनल पर गार्डनिंग से रिलेटिव काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह मैंने अपलोड करी थी, लेकिन फ्रेंड अभी मैं नया चैनल शुरुआत करी हूँ। उस चैनल पर सिर्फ गार्डनिंग से रिलेटिव आपको वीडियोस वगैरह देखने मिलेगी, काफ़ी सारे गार्डनिंग ओवरव्यू भी देख पाएंगे। ज़रूर उस चैनल को जाके विजिट कीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगी। गार्डनिंग के अलावा भी इस तरीके से जब क्राफ्टिंग करते हैं, हम अपनी गार्डनिंग को हम अपने हिसाब से बहुत खूबसूरती के साथ डेकोर भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हमें बाहर से खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गार्डनिंग में इस तरीके से चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसी तरीके से आप भी काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब इस तरीके से कोटिंग करना हो जाएगा, उसके बाद इस तरीके से कील या फिर किसी भी नोकीले चीज़ को ले सकते हैं। इस लाइन को इस तरीके से निकालना होगा।
अभी ये गीला है, इसी समय आप अगर इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, जो डिजाइन बनी हुई है बहुत अच्छा से उभर कर आएगी। लाइन निकालने के बाद खाली स्पॉन्ज लेके इस तरीके से क्लीन कर दीजिए, अच्छा से सूख चुका है। इसके बाद इस तरीके से पानी से स्प्रेयर कीजिए, जितना अच्छा से आप बार बार पानी से इस तरीके से भिगाते हैं या फिर पानी डालते हैं तो बहुत अच्छा से ये स्ट्रॉन्ग बनता है। उसके बाद इस तरीके से पेंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाइट कलर करना चाहिए, उसके बाद आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर आर्ट कर सकते हैं। सीमेंट पोर्ट में कभी भी डायरेक्ट कलर आर्ट नहीं करना चाहिए, सबसे पहले इस तरीके से व्हाइट कलर ही करना चाहिए। उसके बाद जो भी कलर करेंगे देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। जितना अच्छा से आप इस तरीके से कलर आर्ट करेंगे आपकी पोर्ट्स भी उतना ही खूबसूरत दिखाई देगी। यहाँ पर मैंने ऑयल पेंट कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने वॉल पेंट करी हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल पेंट कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सीमेंट पोर्ट में कभी भी डायरेक्ट ऑयल पेंट मत कीजिए। सबसे पहले वाटरप्रूफ कलर कीजिए, उसके बाद इस तरीके से ऑयल पेंट कीजिए। आपने जिस तरीके से बास्केट में बनाए होंगे आपकी पॉट्स भी उसी तरीके की डिज़ाइन की बना हुआ होगा, उसी तरीके से कलर आर्ट आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉट्स सूख के पूरी तरह से रेडी हो चुका है, यहाँ पर अभी प्लांट्स लगा सकते हैं। सबसे पहले ड्रेमेज होल में किसी प्रकार की ठिकरी या फिर पत्थर रख सकते हैं, उसके बाद अच्छा से सॉइल मिक्स बनाइए, उसके अंदर अच्छा से भर लीजिए, प्लांट्स लगा सकते हैं, किसी प्रकार की प्लांट्स को लगा सकते हैं, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। प्लांट्स लगाने के बाद इस तरीके से पानी दे दीजिए, पॉट्स को आप कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे गार्डनिंग में यूज़ कीजिए या फिर आप अपने लिविंग रूम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।